यहाँ पर ना एकदम से जज्बात बदल गए, सीन बदल गया, मौसम बदल गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जहाँ पे हम लोगों ने जाना था। तो देखिए द टेस्टी ट्रकर। तो आंटी जी अंकित भाई के लिए ना बहु लाल, देखिए खुद ही शॉपिंग कर रहे। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुल्लू से। तो फाइनली मैं कुल्लू पहुँच चुका हूँ। तो आज का सीन ऐसा, आज दिखाने वाले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को। तो चलिए बताते नहीं है, सीधे दिखाते हैं। तो चलिए, तो ये चेकआउट कीजिए। आज का मौसम बिल्कुल साफ, आसमान है, बादल है थोड़े थोड़े, लेकिन फिर भी देखिए बिल्कुल साफ। अपने सूर्य भगवान जी भी निकल चुके। तो अभी मैं हूँ कहाँ पर, हूँ भूतनाथ पुल के ऊपर कुल्लू में। तो ये अपनी कुल्लू सिटी रही। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जहां पे हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग आए हैं रोड साइड ट्रकर के वहां। तो ये रहा अपनी कुल्लू सिटी, और कुल्लू सिटी के साथ ही जो मेन हाईवे है अपना मनाली और दिल्ली का, तो उसी के साइड में लगा है एक, देखिए यहाँ पे फूड ट्रक। ओ भाई डिज़ाइन देखिए इसका, हम बिल्कुल फॉरेन वाला है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर लगा है मेन्यू, क्या क्या है खाने के लिए दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए बहुत सी चीज़ें। तो अभी हम लोग करेंगे चीज़ बर्गर कर लेते हैं ऑर्डर। तो चलिए चीज़ बर्गर ऑर्डर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि टेस्ट कैसे रहने वाला है। तो चलिए हम लोग साइड में बैठते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया मेरे दोस्तों ने, तो दिखाते हैं आपको किस तरह का ऑर्डर रहने वाला। बट जो ट्रक का यहाँ पे पूरा सेटअप है ना, वो भाई मस्त वाला है। ट्रक भी मतलब बिल्कुल फॉरेन का लग रहा है। और देखिए द टेस्टी ट्रकर ट्रकर, या मैंने सोचा कि ट्रकर गलत पढ़ रहा हूँ, बट सही था। तो देखिए द टेस्टी ट्रकर। ओ भाई, तो ये रहा अपना मनाली और दिल्ली का मेन हाईवे जो कि फोर लेन है यहाँ पे, तो उसी के साथ लगा हुआ है द टेस्टी ट्रकर। तो चलिए वेट करते हैं ऑर्डर आने का। और देखिए ट्रक के साथ में ये एक अच्छा से प्यारा सा सेटअप बनाया है इन्होंने बैठने के लिए। एक टेबल है, तीन चार इनकी चेयर्स है और मस्त वाला छाता। तो चलिए हम लोग बैठते हैं और वेट करते हैं अपने, जैसे ही आ जाता अपना ऑर्डर। इन्होंने जो सेटअप किया है ना भाई, ऑसम वाला है। क्योंकि भाई जो नॉर्मल ट्रक होते हैं ना, फूड ट्रक, वो अपना जो ट्रैवलर्स होती है फोर्स की, ज़्यादातर उनमें लगाते हैं, लेकिन ये डिफरेंट इन्होंने लगता है खुद ही मॉडिफाई किया है। तो बिल्कुल पूरा स्टील का बनाया हुआ है, एक ऑसम वाला है। तो इसका जो डिज़ाइन है ना, जो फॉरेन के ट्रक होते हैं ऐसे लंबे लंबे, तो उनकी तरह है, बट इसका साइज छोटा है, बट डिज़ाइन इज़ ऑसम यार। तो फाइनली अपना बर्गर आ चुका है। तो देखिए बिल्कुल मस्त वाले ट्रे में देते हैं, सॉस साथ में, और डिस्पोजल भी दिया हुआ है, और पानी की बोतल तो यहीं पर थी। और देखिए अंदर क्या क्या सेटअप है इसके, दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए चीज़ है, टमाटो है, और कुकुम्बर खीरा है, अपना प्याज है, और मेयोनीज़ डाली हुई है। तो मस्त वाला सेटअप है यार। तो बहुत, और ये ना बहुत क्रिस्पी लग रहा है। तो चलिए एक बाइट लेते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट क्या है इसका। तो बहुत ही प्यारा सा टेस्ट है, क्रिस्पीनेस इसमें बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो यूजुअली अपना बर्गर्स होते हैं और रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं पर भी, तो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये तंदूर में बनाते हैं, तो भाई एक ऑसम वाला टेस्ट है यार। बिल्कुल क्रिस्पीनेस ना, बिल्कुल मुँह में आप बाइट लेते ही बनती है। तो चलिए पूरा खाते हैं, फिर दिखाते थोड़ा सा और आपको, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं फूड ट्रकर के वहाँ से। तो मस्त वाला एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इनका जो क्रिस्पीनेस है ना बर्गर में, वो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें खाने के लिए आप लोग भी आ सकते हो। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम लोग अपने सूरज भाई, अंकित भाई के पास, तो उनसे मिलते हैं, फिर बताते हैं, आज रील्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, कुछ तो फनी मूवमेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरी। यहाँ पर ना एकदम से जज्बात बदल गए, सीन बदल गया, मौसम बदल गया, पता नहीं क्या क्या हो गया यार। एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई है, देखिए। तो यहाँ पर देखिए एकदम से बारिश स्टार्ट हो गया, मौसम पूरा पैक हो चुका है, और यहाँ पर देखिए पूरा गीला हो चुका है नीचे, भाई साहब। तो चलिए अपने अंकित भाई, मोहित भाई मिलेंगे हमें आगे, जैसे तो चलते आगे दिखाते हैं आगे का सीन आपको। यहाँ पर आज कॉलेज के फंक्शन लगे हुए हैं, तो वो देखिए सामने वहाँ पर कॉलेज का फंक्शन लगा है।
लेकिन मैं वीडियो बनाने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है वहाँ पे, इतने सॉन्ग लगे होते ना क्या बताऊँ। तो अभी फिलहाल चले हुए आगे को, मौसम भाई क्या ही बताऊँ यार, एकदम से जज्बात बदल गए, सारा सीन बदल गया यहाँ का। तो देखिए अभी हम लोग ना शॉप पे पहुंचे, यहाँ पे देखिए शॉपिंग कर रहे हैं अपने। अभिषेक भाई कैसे हो? बढ़िया। कैसे हो अंकित भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो आंटी जी अंकित भाई के लिए ना बहु लाल हो, देखिए खुद ही शॉपिंग कर रहे। आंटी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंकित भाई के लिए ना एक सुंदर सी छोटी सी दुल्हन ला दो, क्योंकि ये ना खुद ही शॉपिंग कर रहे। मम्मी के लिए? आपके लिए। यही अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहे हो आप? तो अंकित भाई देखिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्रीम ले रहे हैं भाई, लड़कियों वाली क्रीम है। देखिए मसाज करूंगा आपकी मैं। और कुछ? और कैसे हो अभिषेक भाई आप? वो भाई आज लग रहे हो आप सुपर हीरो, देखिए। वेलकम भाई, क्या ले रहे हो आप? कुछ भाई लड़कियों वाली क्रीम है सारी, लड़की हो आप? मैंने ना गलती से बोल दिया था अंकित भाई को कि आप क्लीन शेव करवा लो, ये तो लड़कियों वाले शौक ही पाल लिया अंकित भाई ने। यहाँ पे देखिए लड़कियों वाली क्रीम भाई, हद हो गई। ये देखिए यहाँ लड़कियों वाली, भाई लड़कों वाली ये होती है लड़कों वाली। यहाँ पे देखिए सारे निविया मैन। ओह भाई कहाँ गया बेरोजगार आदमी? भाई ब्लॉग में डालूंगा मैं ये सब। यहाँ पे देखिए बैक्सीज है बहुत सारे। मैं पता कौन सा बैक्सी यूज करता था? ये हाँ मैं ये वाला यूज करता था, मैटन हार्ड। कौन सा पता नहीं यार, अब तो पहले 180 का था ये वाला, अब पता नहीं कितने का। बोल रहे हो लड़कों वाली क्रीम क्या होती है? अंकित भाई पता क्या बोल रहा है, लड़कों वाली क्रीम होती है ड्राई, और लड़कियों वाली बिल्कुल होती है ग्लो वाली, सॉफ्ट सॉफ्ट। भाई तभी आपको लड़कों वाले शौक है। कहाँ गए अंकित भाई? भाई आपकी मम्मी को बोल दूँ मैं? भाई बता दो आपकी मम्मी को लड़कियों वाले शौक पालते। कहाँ देखो बता अभिषेक भाई कुछ बता रहे? हेलो अंकित भाई कुछ बता रहे हैं आपके लिए? भाई आपके काम की चीज है। क्या है भाई? ये गंजापन रोकने की दवाई है। ये तेरे काम की चीज है मसाज। बाल भाई बाल तो इतने अच्छे खासे का है कि गंजे थोड़े अंकित भाई जलता में। तो आंटी जी देखिए इतने समझदार हो गए अंकित भाई कि शॉपिंग करने वाला हो गया, तो लड़का बड़ा हो गया, तो आप लोग शादी के बारे में सोच सकते हो। तो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं। अंकित भाई ने शॉपिंग की, कहाँ रखा भाई सामान? बैग में भाई, अभिषेक के बैग। तो देखिए अभी थोड़ा मौसम भी रुक चुका है, तो चलिए आगे की तरफ निकलते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, कॉलेज के फंक्शन लगे हुए हैं, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं अभी, क्योंकि अभी थोड़ा म्यूजिक कम है तो कॉपीराइट का इशू नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हम लोग अंदर से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि एकदम से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। कहाँ गए अपने भाई? तो चलिए हम लोग निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा रुकेंगे तो भाई पूरे भीग जाएंगे। तो अभी अपना जो कॉलेज का फंक्शन था वो चला हुआ है कंटिन्यूसली, पता नहीं कब तक चलेगा, तो हम निकलते हैं फटाफट यार। चेकआउट करें ध्यान से, यहाँ पे एक पीली सी बस आ रही है, ये मेरी है। अच्छा अंकित भाई की बस गई देखिए यहाँ पर। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई चीजें दिखाते हैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें। तब तक के लिए बाय बाय पब्लिक, मिलते हैं कल। टाटा गुड नाइट, बाय 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 बाय, सी यू गाइस, सी यू गाइस।